को। नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। कानपुर नगर के रमईपुर में लगा भीषण जाम, पब्लिक का हुआ बुरा हाल। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जाम से मुक्ति दिलाते हुए राहगीरों को राहत दिलाई। गौरतलब हो कि जब से शहर में खनन का कार्य चालू हुआ है तब से आए दिन राहगीरों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्षेत्र प्रशासन या शासन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कभी कभी तो राहगीरों को रमईपुर से नौबस्ता पहुँचने में 8 से 12 घंटे लग जाते हैं, जो बिना जाम के 30 मिनट का भी रास्ता नहीं है। अब देखना यह है कि इस जाम से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र प्रशासन और शासन का क्या निर्णय लेती है, यह ऐसे ही राहगीरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अखंड हिंदी न्यूज़ से संपादक सागर सिंह की खास रिपोर्ट। कानपुर बर्रा कारगिल पेट्रोल पंप के पास हुआ भयानक एक्सीडेंट। बर्रा में जाती हुई एक छात्रा का ट्रक से हुआ भयानक एक्सीडेंट। छात्रा की साइकिल पूरी तरह से टूटी, छात्रा को तुरंत क्षेत्रीय लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार। बर्रा से दिलीप गुप्ता की रिपोर्ट। दिन भर की ताजा और आसपास की लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड हिंदी।